बंगाल दौरे पर अमित शाह, ममता सरकार पर साधा निशाना। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। आज वो बांकुरा पहुंचे और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश है और मोदी सरकार से आशा, इसलिए अगले विधानसभा चुनाव में ममता सरकार की विदाई होना तय है। ममता सरकार ने मोदी सरकार की लोकोपयोगी योजनाओं को रोक रखा है। यहाँ के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल पा रहा है। उन्हें आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिल रहा। हमारी सरकार बनने पर बंगाल में केंद्र की सभी लोकोपयोगी योजनाओं को लागू किया जाएगा। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।